थायराइड, बीपी, शुगर, हार्ट व लीवर, सभी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आप घर पर कर सकते हैं। आइए डॉक्टर केवल किशन जी से जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर घर का सामान रखा हुआ है आपके सामने। इस घर के सामान से, इन सारे सामानों से आप अपना इलाज, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं। आइए डॉक्टर केवल किशन जी से जानते हैं। ये आपके हाथ में क्या है? ये कंघी, देखिए ये बालों के लिए बड़ी चीज है। आपके बाल झड़ते हैं, बालों में रूसी है, बालों के रंग जल्दी सफेद हो गया है। इसको 100 बार ऐसे, इसके ये देखिए 100 बार सिर पे कंघी लगाएं और कंघी से आप अपने बालों को हिफाजत भी कर सकते हैं और इससे बाल मजबूत भी हो सकते हैं। ये आपने सामान यहाँ पर क्यों रखा हुआ है इतना सारा? ये घर की बीमारियों के लिए, ठीक करने के लिए घर की चीजें से कैसे करेंगे। ये देखिए मैंने ये चम्मच रखा है आपके जीभ पर, सुबह सुबह इसको लगा के कोई कुरला नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसके ऊपर से लार्वा आ जाएगा, उसको थोड़ी देर रख देंगे धूप में या रोशनी में, तो इस पे आपके रोगों का विज्ञान आ जाएगा। ये देखिए ये है योग से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान हो सकता है। माइग्रेन, थायराइड और ये सर्वाइकल, ये सभी योग से ही होता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में ये देखिए पेन है, इसमें एक छोटा सा हम सर्वाइकल का बता रहा हूँ मैं। देखिए ये सर्वाइकल का मिनी पॉइंट है, यहाँ आप ऐसे पेन लगा के देखें। यदि आपके कहीं ज़्यादा दर्द है तो इसलिए वहाँ पे पेन से निशान भी लगा दें और वहाँ से ये देखिए। ये एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि अगर उनके कुछ सवाल है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, कोई भी सवाल है, कोई भी रोग है, कोई भी आपको समस्या है, आज मैं आपके लिए कोई भी समस्या का हल बताने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए ये टेप है, कोई भी टेप ले, यदि आपको ये टेप उतार के, ये देखिए ये टेप मैंने उतार ली और इसमें मैंने निशान ढूंढ लिया है सर्वाइकल का। और कोई भी मेथी के दाने, चने की, मूंग की दाल, इसको ऐसे लगा के इसको ऐसे बांध देना है जहाँ दर्द है। ये देखिए सर्वाइकल उसी वक्त ठीक हो जाएगा। ये मेरा एक कारगर नुस्खा है, यदि आप इससे आप टेप लगा के करते हैं तो आपका सर्वाइकल उसी वक्त ठीक हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये रबड़ बैंड रखे हैं, ये रबड़ बैंड थायराइड के लिए, और ये मैंने इसको रबड़ बैंड थायराइड, पैराथायराइड आपका। ये रबड़ बैंड लगाने से क्या होता है हाथ में? ये हमारा थायराइड का पॉइंट है। थायराइड दो तीन किस्म का होता है, मोटापे का भी और कमजोरी का भी। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे रोज आप रबड़ बैंड दोनों अंगूठों में बांध सकते हैं। इसको कितनी देर तक बांधना है रबड़ बैंड को अपने हाथ में? इसको 15 मिनट भी बांध सकते हैं, 5-10 मिनट से लेके 15 मिनट तक बांध सकते हैं। थायराइड में बड़ा फायदा करता है ये रबड़ बैंड है। आगे मैंने रखा है ये रुई, ये देखो रुई है, इससे हमने नाभि को सफाई भी करनी है। और यदि इससे देखो पहले नाभि की सफाई करनी है तो इसको थोड़ा सा पानी से भिगो के या तेल से भिगो के। नाभि की सफाई करनी क्यों है ये बताओ? बड़ी जरूरी है, नाभि हमारा बीच में 72,000 नस नाड़ियाँ आके नाभि में मिलती हैं। ये नाभि हमारा रोज, इसमें नाभि के तेल भी डाला करें, 2 बूंद तेल रोज डालें नाभि में। देखिए 2 बूंद तेल नाभि, पहले रुई से सफाई कर ली मैंने, फिर नाभि में तेल डाल दिया। अरे तेल से नाभि के अंदर 200 किस्म की बीमारियां, कोई भी रोग हो नाभि में तेल लगाएं और सफाई करके लगाएं और थोड़ा कोसा करके डालें, 2 बूंद डालें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर केवल किशन जी, आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कोई भी रोग हो आपको आप बता सकते हैं। तो
डॉक्टर साहब आपने, ये मैंने लाइटर रखा है, माचिस कई बार नहीं मिलती तो माचिस से ये लाइटर में ये दिया क्यों आपने रखा हुआ है? दिया ये त्राटक के लिए, आंखों के लिए रामबाण औषधि क्रिया है। ये देखिए मैंने ये जला दिया। ये चिटकनी जो है, इस चिटकनी का क्या काम है? ये देखिए कितनी सारी यहाँ पर चिटकनी अलग अलग रखी हुई है। ये कपड़ा सुखाने की चिटकनी, ये बड़ा गजब का काम करती है, कपड़े भी सुखाती है और आपके रोगों का इलाज भी करती है। आप ये देखिए, मैंने इस चुटकी को यहाँ लगा दिया। ये चुटकी सिर के कोई रोग है, गले से ऊपर कोई रोग है, तो ये चुटकी 5 मिनट रोज अपने दो सारी उंगलियों पे लगा दें। ऐसे ये पांच कभी इसमें लगा दें, 5 मिनट इसमें लगा दें, 5 मिनट इसमें लगा दें, आपके सिर के गर्दन से ऊपर कोई रोग है वो ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत गजब का घर में रखा हुआ एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप सभी रोगों से, सिर के ऊपर के सभी रोग, अब मान लो कान में कोई तकलीफ है, कान में कोई तकलीफ है तो कान में भी लग सकती है, आप दोनों कानों में लगा सकते हैं। कान में से क्यों लगाते हैं? कान में कोई पॉइंट है या फिर? कान में भी ब्रेन के पॉइंट हैं, सारे सिर के पॉइंट हैं। ये हमारे ये जो नीचे का भाग है, इसको ये दो उंगलियां बीच की लगा के अंगूठे से, एक बार दोबारा बताइए कौन सा भाग? ये जो नीचे का भाग है, अच्छा। इतना ये गोल भाग है, ये सारे ब्रेन के पॉइंट, गर्दन से ऊपर के पॉइंट सभी को ठीक करता है ये। और देखिए कान में भी ऐसा है, हमारे अंदर सारे रोग ठीक करने का इसमें लाभ है। जिनको हाइड्रोसील हो जाती है, हर्निया हो जाती है, वो में कान में ही पॉइंट है, टांग में दर्द है, पैरों में दर्द है, कानों में भी बहुत बड़े पॉइंट हैं। ये हमने इसलिए दिखा रहा हूँ कि घर की चीजें कैसे आपके काम आ सकती हैं। सर एक सवाल है गुरविंदर सिंह जी का, मेरे कब्ज रहती है क्या करना चाहिए? कब्ज के लिए एक तो आप बैक वॉकिंग किया करें, और कब्ज के लिए नाभि में तेल भी डालें और अपान मुद्रा बना के बैठा करें। अपान मुद्रा देखिए कितनी किस तरह से बनानी है, ये दो उंगलियां आपस में मिली, 5 से 45 मिनट कर लें, ये अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में आपको बहुत लाभ मिलेगा यदि आपका कब्ज है। कब्ज के लिए मैंने बताया। सर एक और सवाल है श्री कुमार जी का, मेरे सर मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। घुटनों के दर्द के लिए ये देखिए, अपने हाथों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 100 बार करें, ये रोज ये ही आपको फायदा। बाकी मेथी खा लिया करें, मेथी रखी है, मेथी का पक्का मार के आप थोड़ी सी मेथी लें खा लें, ये भी सारे घुटनों के दर्द के लिए, दर्दों के लिए बड़ी कारगर है। ये जो यहाँ पर रखा हुआ ये क्या है? ये है एक्यूप्रेशर की गेंद। इसके लिए शुगर के लिए और वे हाथों के पॉइंट दबाने के लिए ये मुट्ठी में ले लें और इसको ऐसे दबाएं, ये बहुत गजब की चीज़ है। ये शुगर के लिए, आपके कोई भी रोग है इसको पैरों पे भी ऐसे रगड़ सकते हैं। ये अपने हाथ का भी पॉइंट हो गया और कमर का भी पॉइंट हो गया। ये है टेनिस बॉल, ये है रबड़ की बॉल, इससे भी हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इसको आपने कभी भी, जिनको बवासीर है, जिनको किसी किस्म का कब्ज का रोग है, इसके ऊपर बैठना है। हाँ, कैसे? दिखाइए एक बार दोबारा से, दिखाइए व्यूअर्स को। ये देखिए, ये लैटिन वाली जगह पे इसको ऐसे रख के इसके ऊपर बैठ जाया करें। इससे क्या होगा? लेडीज को भी कई बार समस्या होती है, यूट्रस बाहर आने लगता है, वो भी इसके ऊपर बैठ के एक्सरसाइज अश्विनी मुद्रा कर सकते हैं। अश्विनी मुद्रा होती है अपने गुदा स्थान को सिकोड़ना और छोड़ना। इस तरह से थोड़ा सा हाथ से करके बताएं कि वो जैसे, ये देखिए, ये जिसको बवासीर है, जिसको गंदर है, जिसके लिए ये फिशर्स हैं,
लैट्रिन वाली जगह पे खून आता है उनके लिए अश्विनी मुद्रा। आप लैट्रिन बैठे हैं, बस में बैठे हैं, आपको लैट्रिन आ गई है तो गुदा स्थान को सिकोड़ लेना है। सिकोड़ एक, एक सवाल है, हार्ट में पेन है, अंजाइना, नीलेश कालेजी का अंजाइना है, आप अर्जुन साल का चाय पिया करें और ये देखिए हार्ट का पॉइंट ये, इसको हल्का हल्का थपिंग करें। इससे क्या होता है, करने से थपिंग करने से सर्कुलेशन तेज भागने लगती है, कहीं भी खून रुकता है तो वहीं पे हमारा रोग हो जाता है। ये थपकी करने से भी आपका वो सर्कुलेशन तेज हो जाता है। छाती खांसी के लिए यहाँ पे थपकी करें। एक पेशेंट है जरशाला खान, उनका सवाल है सर दर्द के लिए। सर दर्द के लिए मैंने अभी बताया है, माइग्रेन हो, सर दर्द हो, कोई भी तकलीफ हो, वैसे तो इस छोटी उंगली को ऐसे खींच लिया करें और दबा लिया करें, थोड़ा सा दांतों में ऐसे दबा लें, ऐसे आपका सिर दर्द उसी वक्त ठीक हो जाएगा। नहीं भी कोई समस्या है सिर के दर्द की, ये 5 मिनट में आपके अपने उंगलियों पे लगा के, दोनों उंगलियों पे लगा के बैठ जाए, उसी वक्त सिर दर्द आराम आ जाएगा। माइग्रेन कितना भी भयंकर हो, उंगली पर लगाना है दिखाइए, सारी उंगलियों पे लगा लें, लेकिन चीची उंगली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी वाली? चीची, छोटी उंगली, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिर दर्द के लिए। ये कभी भी सिर दर्द हो इसको, हाँ किसी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ा है, किसी को कोई भी दौरा हिस्टेरिकल दौरा पड़ा है तो वो भी ये छोटी उंगली को दबा के, या दूसरे को पड़ा है तो अपने हाथ से लेके अपने दांत में हल्का सा दबा दे, उसी वक्त होश आ जाएगा। ये देखिए घर का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, टूथब्रश, ये गेंद, ये चिटकनी और ये तेल यहाँ पर गोले का रखा हुआ है। ये देखिए इन घर के सामान से डॉक्टर केवल कृष्ण जी आज आपको बताने वाले हैं। आप अपना कोई भी सवाल, अपनी कोई भी आपको बीमारी है वो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी बीमारी आप पूछेंगे तो आपको घर के सामान से इलाज बताएंगे डॉक्टर केवल कृष्ण जी। एक और सवाल है हमारे बीच में यहाँ पर, थायराइड के लिए बताइए। थायराइड के लिए ये रबड़ बैंड है, थायराइड के लिए रबड़ का बैंड, सिंह गर्जना कर सकते हैं, उज्जैयी गर्जना, एक बार बताइए व्यूअर्स को किस तरह से करना है, सिंह गर्जना। सिंह गर्जना जीभ को पूरी तरह निकाल के धाड़ना है, सूरज की तरफ देख के ऐसे बैठ जाना है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ करके जीभ को फिर हाथों की मालिश, गले की मालिश कर लें रोज, इसको धाड़ने से भी सूरज के सामने सिंह गर्जना कर। रबड़ का बता दीजिए, रबड़ का आपने क्या बताया? रबड़ बैंड है ये, तो आप दोनों अंगूठों में इसको, ये अंगूठे की जड़ में यहाँ लगानी है, ये तो 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को किसी टाइम भी इसको लगा सकते हैं। जिनको थायराइड है, पैराथायराइड है, किसी को मोटापे का है, किसी को कमजोरी का है, ये बता दो व्यूअर्स को कितनी देर तक लगानी है ये? 5 मिनट लगा सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगानी, 5 से 15 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, बाकी ये सर्कुलेशन बंद ना हो इसलिए इसको बीच बीच में खोल के दोबारा भी शाम को दोपहर को 3 टाइम लगा सकते हैं। पुनीत मित्तल जी हमारे बीच में है, उनका सवाल है बॉडी में बहुत सारी गांठें हैं जिनमें दर्द नहीं होता, इसका कोई इलाज बताएं सर। गांठें के लिए कपाल भाति प्राणायाम हर किस्म की गांठ को ठीक कर देता है। कैसे करना है कपाल भाति प्राणायाम? 5 से 45 मिनट रोज करें, 10-15 मिनट तो रोज करें। देखिए उसमें आपने अग्नि मुद्रा बना लेनी है, और ये देखिए ये अग्नि मुद्रा है, ध्यान से देखिए, ये अग्नि मुद्रा भी है, इससे फैट भी कम होता है और ये जो आपका समस्या है कोई भी वो कपाल भाति से गांठें आपकी ठीक हो जाएगी। रोज 45 आधा घंटा रोज करना है, क्योंकि 10-15 मिनट सुबह 10-15 मिनट शाम को इस तरह करते रहे कपाल भाति, कपाल मतलब है माथा, भाति माना चमकाना, हर चीज को ये चमत्कार करता है कपाल भाति। ये कपाल भाति से हमारे शरीर के सभी अंगों को लाभ मिलता है, जिस अंग से, जिस प्राणायाम से, जो पाइल्स पाइल्स के लिए बताइए, पाइल्स का एक कालूराम जी का, कालूराम नेहरा जी का सवाल है यहाँ पर।
आप सुबह उठते खाली पेट मूली का पानी पिए, मूली का पानी पिए और सफ़ेद जो भूरी मिर्च है वो 15 दाने चबा चबा के खा लें, और ये जो आपका नारियल का बाल है, नारियल के जड़े वाली बाल होते हैं उसके ऊपर होते हैं, उनको उतार के जला के उसके राख के शहद के साथ चाट लिया करें, उससे भी अब भूल बंद लगाएं और अश्विनी मुद्रा करें। जो अश्विनी मुद्रा एक बार आप दिखाएंगे करके? अश्विनी मुद्रा लैटिन वाली जगह पे होती है। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस खच्चर घोड़ा जब लैटिन कर देते हैं उसके बाद अपनी गुदा को सिकोड़ते हैं और छोड़ते हैं, सिकोड़ते हैं छोड़ते हैं। ये आप बस में बैठे भी कर सकते हैं, मान लो लैटिन आ जाती है तो रोकना है तो कैसे, लैटिन वाली जगह को अंदर खींच लो, वो बवासीर के लिए तो कारगर है। बवासीर के लिए अपान मुद्रा भी बहुत बढ़िया है। ये अपान मुद्रा बवासीर के लिए रोज 5 से 45 मिनट लगा दें, जब ये रोग ठीक हो जाए छोड़ दें। बवासीर के लिए, कब्ज के लिए ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया, पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। देखिए अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर भेज सकते हैं ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको बीमारी हो, सभी बीमारियों का इलाज आपको आज बताया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ घर की चीजों से आप कैसे अपना इलाज कर सकते हैं देखिए आपको बताया जाएगा। आप अपने सवाल यहाँ पर डाल सकते हैं, और दूसरा आप शेयर कर सकते हैं अपने प्रियजनों के साथ जिनको कोई भी बीमारी है, ताकि वो भी यहाँ पर आकर अपने सवालों के जवाब जान सके। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल है हमारे पास, सर मैं चल नहीं पाती, लाठी से चलना पड़ता है, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है और मैं जमीन पर अगर पैर रखती हूँ तो मेरे पैर थरथराने लगते हैं। पैरों के लिए गर्म और ठंडे पानी की सिकाई करें, पैरों को बाल्टी के अंदर एक गर्म पानी में 3 मिनट रखें और या तसला ले लें, उसमें पानी में डूब जाने चाहिए सारे, गर्म पानी में 3 मिनट एक ठंडे पानी का तसला रख लें, उसमें 2 मिनट ठंडे पानी में, फिर उस पर गर्म पट्टी बांध के और तिल का तेल लगा के गर्म पट्टी बांध के बैठ जाए तो आपका पैरों का समस्या उसी दिन ठीक हो जाएगी। चलिए एक और सवाल है यहाँ पर, किडनी में स्टोन है 18 mm का, इसका कोई इलाज बताएं सर? गुड़हल, गुड़हल के पत्ते खाएं, गुड़हल के फूल खाएं, गुड़हल के पत्ते सुखा के 1.5 चम्मच रात को खाना खाने के बाद खा लें, 1.5 चम्मच आपकी जो पथरी है चूरा चूरा होकर निकल जाएगी, 1 महीने के अंदर अंदर सारा सफाई हो जाएगी, चाहे पित्ते में हो चाहे गुर्दे में हो चाहे कहीं भी हो, गुड़हल के पत्ते, ये अश्वमेध रस आता है स्वामी रामदेव जी की दुकान से मिल जाएगा, किसी भी दुकान से जाके ले सकते हैं अश्वमेध रस। यहाँ पर आपने दिया रखा हुआ है, इसका क्या काम है? ये है त्राटक के लिए, ये देखिए पंखा बंद करेंगे तो चलेगी, ये देखिए, ये देखिए दिया यहाँ पर रखा हुआ है, दिया त्राटक के लिए, इसकी लो जो है बहुत ही कारगर होती है, इसको त्राटक करना होता है जब लो जल जलती है, ये देखिए इसकी जो लो है इसको 5 से 10-15 मिनट रोज त्राटक करें, ये लो जो उबर जाएगी, ये देखिए ये जब बिल्कुल रुक जाएगी, जब हाँ थोड़ी सी देखिए, जब इसमें देसी घी से डाल जो ये जलानी है दीपक, और उसमें और कोई चीज नहीं डालनी, देसी घी या सरसों का तेल, ये देखिए लो। एक और सवाल है हमारे पास, ये देखिए लो हो गई, इसको ऊपर से देखे टकटकी लगाकर 5 से 15 मिनट रोज देखें, आपकी आंखों की कोई समस्या है, आंखों में मोतिया है, आंखों में कोई कुकरे हैं, रोहे हैं, नजर कमजोर है, तो ये त्राटक रामबाण औषधि। एक और सवाल है हमारे पास, किडनी की जगह पर और किडनी की जगह पर दर्द होता है और बैक में भी दर्द होता है, कमर में, जहां भी दर्द है वहां गर्म और ठंडे पानी की सिकाई करें और थोड़ी सी थपकी मारें, वो दर्द उसी वक्त शांत हो जाए। कोई भी मान लो घुटने में दर्द है तो ये थपकी है, और मान लो किडनी में है तो किडनी के पास वाले एरिया में दर्द है,
ये देखिए, ये है किडनी, देखिए इस तरह से दोनों की दो किडनी होती हैं, ये आधी इधर आगे होती है आधी पीछे होती है, ये इस तरह की होती है किडनी यहाँ पे। इसके ऐसे थपकी रोज लगा सकते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ गया है और पथरी है तो सूजन है किडनी में, कुछ भी रोग है आप उसको गर्म गर्म पानी से 3 मिनट और ठंडे पानी से 2 मिनट, गर्म से शुरू करना है गर्म पे ही खत्म करना है, ये ध्यान रखना। ये चम्मच आपने रखी हुई है, इस चम्मच का क्या आपने कुछ? चम्मच में मैंने बताया था अपने शरीर के अंदर क्या रोग है, क्या कौन सी बीमारी शुरू हो गई है, ये सुबह उठते ही काम करती है, आपने कुरला नहीं करना, पानी पी के नहीं पीना, अपनी जीभ से ऐसे लार्वा निकाल लेना है, फिर इसको थोड़ी देर आपने धूप में रख देना है, 1 मिनट 2 मिनट रख दे धूप में, और इस पे आपके कोई ना कोई कलर आ जाएगा, कोई ना कोई निशान आ जाएगा, कोई सफेद आ गया है, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो गया है, इसमें एल्युमिनियम की बदबू आ रही है तो आपकी किडनी खराब हो रही है, ऐसे ही कई रोग इसमें डायग्नोज किए जा सकते हैं। देखिए अगर आपके सवाल है तो आप भेज सकते हैं, आपको आपकी हर बीमारी का इलाज यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, गेंद रखी हुई है यहाँ पर, टूथब्रश रखा हुआ है, ये घर पे कपड़े सुखाने की चिटकनी रखी हुई है, इन सभी चीजों से आज हमें डॉक्टर केवल कृष्ण जी इलाज बताने वाले हैं। घर की चीजों से आप कैसे अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, आप उन बीमारियों को यहाँ पर हमें भेज सकते हैं लिखकर, ताकि डॉक्टर केवल कृष्ण जी उनका जवाब आपको बता सके, तुरंत आपको आराम मिलेगा। देखिए एक सवाल है रमेश पटेल जी का, हाथ के जॉइंट्स में दर्द रहता है, हाथ के जॉइंट्स में से कट कट की आवाज आती है, उसके लिए क्या करें? देखिए जो आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो टेस्ट करा के आर ए फैक्टर देख लें, तो जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है तभी कट कट की आवाज आती है, या ग्रीस खत्म हो जाती है बुढ़ापे में तब आती है, जवानी में तो कोई ऐसा आर्थराइटिस हो सकता है, उसके लिए आप गुड़ चना रोज खाएं, ये कट कट की आवाज भी ठीक हो जाएगी और ग्रीस भी ठीक हो जाएगी, गुड़ चना सबसे बेस्ट। अगर आपके और सवाल है तो और सवाल आप भेज सकते हैं, देखिए आपको हर आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिलेगा। और आप पॉइंट्स डॉक्टर केवल कृष्ण जी ये भी बताइए कि ये टेप यहाँ पर आपने क्यों रखी हुई है? इसका टेप मैंने अभी बताई है सर्वाइकल का, यदि आपको दर्द है सर्वाइकल और का, कौन कौन से पॉइंट्स पर ये टेप लगा सकते हैं? ये नाखून के दोनों तरफ कोई ना कोई, दोनों हाथों में कोई ना कोई निशान मिलेगा आपको, निशान क्या मिलेगा आपको, दर्द मिलेगी, ऐसा पेन ले लेना है, पेन में आपने ये ऐसे दबा के देखना है जहां पे ज्यादा दर्द होगा, पेन की चोट नहीं, इसकी चोट दर्द नहीं, एक जगह पे ऐसी दर्द होगी कि आप उछल जाएंगे दर्द से, तो उस दर्द से पॉइंट लगा लें, फिर इसके मेथी उसमें लगा के उसके बांध दें, 15 मिनट 4 घंटे बंद ही रहने दें, उसको हर बार थोड़ी आधे घंटे बाद दबाते रहें तो आपकी सर्वाइकल ठीक हो जाएगी। चलिए देखिए और सवाल यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास, दर्शक अपने सवाल भेजते रहिए ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। देखिए अगर आप सवाल नहीं भेजेंगे तो आपको आपका जवाब भी नहीं मिलेगा। और हमारे पास ये इसके बारे में बताइए डॉक्टर, इसके ये क्या है? ये भी एक्यूप्रेशर की गेंद है, इसमें 100 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं, तो ये हमने दो किस्म से इसकी मदद की जा सकती है, एक तो हाथों पे ऐसे रगड़ें इसको ऐसे दबाएं, ये पैर पे ऐसे बैठ जाए तो पैर पे भी ऐसे इसके एक्यूप्रेशर के पॉइंट, हर पॉइंट पैर के पीछे भी अपने हाथ से इसको ऐसे घुमाते रहें, ये बड़ी अच्छी गेंद है, जैसे शुगर के लिए जिनको शुगर है रोज इसकी एक्सरसाइज करें हाथों पे, ये जो पॉइंट होते हैं ये शुगर के लिए पॉइंट्स बताइए, शुगर के लिए पॉइंट वैसे अपने अंगूठे से भी देख सकते हैं, और वैसे देखिए ये है हमारा लीवर और ये दाएं हाथ में लीवर है, इसको दबा के देखें, यदि आपके दर्द होती है तो वो ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है शुगर का, ये
वैसे हार्ट के भी पॉइंट, हाथों में पॉइंट है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, मुझे फ़ोन करके जान लिया करें। छोटी मोटी बातें तो मैं, मेरा अमृत मुद्रा का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने एडी में दर्द है उसके लिए बताइए, अगर एडी में किसी के दर्द हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एडी में दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड को घटाने के लिए किशोर गूगल मेथी ऐसी कारगर चीजें खाया करें। और आप ये पॉइंट है, इनको ऐसे दबाते रहें। दोबारा से एक बार पॉइंट्स दिखा दीजिए, कौन से पॉइंट है? ये गिट्टा है, गिट्टे के चारों तरफ घुमा के देखें, कहीं ना कहीं आपको दर्द होगी। अब ऐसे 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 थपकाई भी दे सकते हैं, ऐसे चारों तरफ। ब्लड सर्कुलेशन रुकती है तो ब्लड दर्द होती है। एक और सवाल है हमारे पास यहाँ पर, हेयर फॉल बहुत है, प्लीज बताइए। हेयर फॉल के लिए मैंने कंघी का बताया है, 100 बार कंघी किया करें, और बादाम और प्याज कूट के उसका रस निकाल लो, उसके उतना ही बादाम तेल का तेल डाल लो और उंगलियों से उसकी मालिश करो। 3 दिन में उसमें विटामिन ई का इवोन का कैप्सूल आता है, वो भी डाल लो। 3 दिन में आपके बाल झड़ने ठीक हो जाएंगे, गारंटी से। चलिए देखिए, आप और भी सवाल भेज सकते हैं, आपको जो भी कोई भी दिक्कत है, आपको आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा डॉक्टर साहब के द्वारा। तो आप हार्ट के लिए बताइए कुछ क्या खा सकते हैं, क्या? हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है अर्जुन शाल की चाय पिए और अदरक का पानी, अदरक और शहद में डाल के थोड़ा सा, अदरक कूट के थोड़ा शहद में डाल के पी लें हार्ट के लिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, हार्ट के लिए टॉनिक है ये। आजकल क्या है, सभी जो पेशेंट्स हैं उनको दिक्कत रहती है गैस की, तो गैस के लिए बताइए क्या कर सकते हैं? आप बैक वॉकिंग करें, बैक वॉकिंग से सबसे बेस्ट होती है। अपान वायु भी करके बैठे 5 से 45 मिनट, और पानी घूट घूट करके पिए, पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पिए, पानी का मंत्रित करके पिए। पानी में बड़ी शक्तियां हैं, पानी हमारे लिए जीवन है, जल है तो कल है, इसलिए पानी को जब भी पिए उसके अंदर दृष्टि डालें, और दृष्टि डाल के उसको कहें ये पानी मेरा स्वास्थ्य ठीक करेगा। पानी ही ठीक कर देता है हर भी रोगों को। अगर किसी के कंधे में दर्द है तो उसके लिए बताइए? ये फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है। कंधे के लिए पॉइंट भी है, एक्सरसाइज भी है, एक रबड़ की साइकिल की ट्यूब लें, उसको ऊंचाई में बांध दें और उसको खींच के नीचे ले आए जितना ला सकते हैं, फिर वो अपने आप तुम्हें खींच के ऊपर ले जाएगी, बस ये। और साइकिल का पैर उल्टा कर दो, साइकिल की जो पैडल है वो गद्दी के जमीन पे हो, उसका पैडल हाथ से घुमाएं, ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी, उल्टा भी घुमाएं सीधा भी घुमाएं, जो कंधा जो ये मोटा दर्द करता है उससे आप ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। ट्यूब साइकिल की ट्यूब से कील लगा के ऊपर बांध दो और जितना नीचे खींच सकते हो खींच दो, फिर वो अपने आप ऊपर खींच के इतना ऊपर बांध दो ताकि वो ऊपर से पकड़ी जा सके, फिर ऐसे ये कर दो। ये कुर्सी आपने यहाँ पर रखी हुई है, इस कुर्सी के बारे में बताइए, यहाँ क्यों? कुर्सी पर बैठ के कई एक्सरसाइज की जा सकती है, जो लोग चल फिर नहीं सकते, जो लोग घर में बैठे एक्सरसाइज नहीं कर सकते खड़े होके, जो कुर्सी में बैठ के, इसके लिए कुर्सी सबसे बेस्ट है। हर देखिए, हम कुर्सी में बैठ के घुटनों में दर्द है तो घुटनों की एक्सरसाइज करें, और कुर्सी पे बैठ के ही सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के आप बुझाओं की एक्सरसाइज देखिए, इन एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए, और अगर आपके सवाल है तो सवालों को आप डालिए ताकि डॉक्टर केवल किशन जी उनका जवाब हमें आपको दे सके। आप अपने सवाल डालते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपको उस दिक्कत का जो समाधान है यहाँ पर दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे आखिर में? देखिए, मेरा अमृत मुद्रा का चमत्कार का वीडियो देखें, प्याज का वीडियो देखें,
ठंडी पट्टी लपेट जरूर देखें। पेट की सभी समस्या, आम लोगों को यदि हमारा पेट ठीक है तो हमारा सब शरीर, लीवर ठीक है, पेट ठीक है तो सब चीज ठीक है। वो उसमें ठंडी पट्टी लपेट में मैंने और गर्म और ठंडे पानी में सभी कुछ बताया। फैटी लीवर के लिए एक सवाल आया अभी, फैटी लीवर के लिए बताइए। फैटी लीवर के लिए सुबह खाली पेट नींबू शहद और गर्म कोसा पानी पिए और थोड़ा सा अनानास का जूस भी पी सकते हैं और आप गर्म और ठंडे पानी का सिकाई जरूर करें। ये तो काला पीलिए तक ठीक कर सकता है गर्म और ठंडे पानी। दाई तरफ होता है लीवर हमारे जो एक और सवाल है मिर्गी, मिर्गी के लिए कोई पॉइंट बताइए, कोई इलाज बताइए। मिर्गी का दौरा पड़ता है तो ये चीची उंगली, ये देखिए इसको, जिसको दौरा पड़ा हुआ है उसकी चीची उंगली लेके उसको खींच के दबा दो और अपने दांतों में ऐसे, उसी वक्त दौरा खुल जाएगा। या थोड़ी देर उसका नाक बंद कर दें, वो अपने आप सांस लेगा तो दौरा हट जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिला होगा। इन सभी चीज़ों से देखिए जो आपके घर पर मौजूद होती है आप अपने जो किसी भी प्रकार के रोगों का इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर केवल किशन जी ने आज हमें बताया। तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।